की आवाज में मोती माता की महिमा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सहस्थिता, नमस्तस्तेय 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 नमो नमः। जय मोती माता। मध्य प्रदेश में सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के किनारे बसा प्राचीन और दर्शनीय स्थल बुरहानपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बुरहानपुर अमरावती मार्ग पर डोही फोड़िया से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर ग्राम लोखंडिया से उतावली नदी और माता नदी के संगम तट पर देवी मोती माता का मंदिर स्थापित है। ये वो स्थान है जहां पर लाखों श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और इस स्थान पर जमीन आसमान गूंज उठता है माता की जय जयकार से। देवी मोती माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक समय बंजारा समाज बैलों का व्यापार किया करता था। इसी के दौरान केशव धन्ना जी जाधव नामक व्यक्ति दूसरे की यहां नौकरी करते थे और ये राजस्थान से बैलों की खरीदी किया करते थे। वही राजस्थान में कुछ समय बिताने पर केशव जी को अनेक चमत्कार होने लगे। एक बार केशव जी के मालिक की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसी दौरान रात में स्वप्न में देवी मां ने केशव जी को दर्शन देकर कहा कि तुम मेरे नाम से बीमार व्यक्ति को 3 चुटकी रखिया खिला देना, वो स्वस्थ हो जाएगा। सपना आया गया हो गया। परंतु केशव जी ने स्वप्न पर भरोसा न करके बात टाल दी और दूसरे ही दिन उनके मालिक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इस कारण सभी साथी तबीयत को लेकर बहुत चिंतित थे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब केशव जी ने अपना स्वप्न साथियों को सुनाया तो सभी साथियों ने कहा, स्वप्न के मुताबिक रखिया खिला देते हैं, इसमें अपना क्या बिगड़ता है। रखिया खिलाने के बाद उसी समय से केशव जी के मालिक की तबीयत सुधरने लगी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। इस बात को लगभग केशव भूल गए और अपने काम में लग गए। परंतु देवी मां नहीं भूली। ये लोग अपने गांव आ गए। गांव में भी केशव जी को मां स्वप्न में दर्शन देने लगी और प्रेरित करने लगी कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारे ग्राम लोखंडिया में प्रकट होना चाहती हूं और दुखियों का दुख दूर करना चाहती हूं। परंतु केशव जी ने कहा, मां मैं एक सीधा साधा आदमी हूं, भोला भाला हूं, मैं नहीं जानता भक्ति क्या होती है। इस घटना के बाद केशव जी ने गांव के मुखिया रामजी नायक से चर्चा की और कहा कि देवी मां गांव के आगे झाड़ियों में उतावली नदी के संगम तट पर प्रकट होना चाहती है। जैसे ही रात में फिर स्वप्न आया और मां ने बता दिया कि मैं प्रकट हो चुकी हूं। उसी सुबह गांव के सभी लोग मिलकर उस स्थान की ओर गए और देखा तो देवी मां की प्रतिमा बांबी में दिखी। प्रतिमा सूर्य की किरणों के तेज के समान प्रतीत हो रही थी। प्रतिमा को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और मां की जय जयकार करने लगे। वहीं से भक्त केशव जी महाराज मां की भक्ति करने लगे। आज भी उनके परिवार में ये परंपरा चल रही है। अब हम आपको बता रहे हैं
मां के मेले के बारे में। शताब्दी पूर्ण हो चुकी है। ये मेला पौष पूर्णिमा 1906 से शुरू हुआ और 1911 में इस मेले ने विशाल रूप धारण कर लिया। इस मेले में मां के दर्शन के लिए भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तगण हजारों की तादाद में आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है उनके वजन के बराबर मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, जिसे भारोभार कहते हैं। देवी मोती मां के मंदिर के ठीक सामने गुणा महाराज यानी भैरु बाबा का मंदिर स्थापित है, जो काफी चमत्कारिक है। भक्तगण माता के साथ गुणा महाराज जी की भी दर्शन करते हैं। अब हम नमन करते हैं देवी मोती मां को और आराधना करते हैं इस संगीत रचनाओं के साथ। जय मोती माता।
देशमुख वीडियो की अगली प्रस्तुति है जा रहा रही होली। Thank you.
Bye.
मचल गए प्याले पे। चल गए प्याले पे गुना नहीं माने रे नहीं माने मचल गए प्याले पे। नारियल से ना माने बाबा, नारियल से ना माने बाबा, वो तो प्याला भी मांगे पीने को। मचल गए प्याले पे गुना नहीं माने रे नहीं माने मचल गए प्याले पे। चल गए प्याले पे गुना नहीं माने रे नहीं माने मचल गए प्याले पे। नारियल से ना माने बाबा, नारियल से ना माने बाबा,
पांच लोग मिल समझाने, मचल गए प्याले पे गुणा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए प्याले पे नारियल से ना माने बाबा, नारियल से ना माने बाबा, वो तो प्याला भी मांगे पीने को, मचल गए प्याले पे गुणा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए प्याले पे। चल गए प्याले पे गुणा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए प्याले पे नारियल से ना माने बाबा, नारियल से ना माने बाबा, वो तो प्याला भी मांगे पीने को, मचल गए प्याले पे गुणा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए प्याले पे। बहना, ओ बहना। क्या हुआ भैया? सब लोग मोती माता का मेला देखने जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। चक्री में बैठेंगे हम तो, झूले में बैठेंगे हम तो, चक्री में बैठेंगे मेरे साथ बैठो बहना।
सिनेमा देखन जाए, हम खिलौना लेने जाए, हम खिलौना लेने जाए, मेरे साथ चल ओ बहना। अरे मैं ना चलूंगी रे भैया, मुझको ना भावे रे, मैं ना चलूंगी रे भैया, मुझको ना भावे रे। हम तो मेले में जाएंगे, हम तो मेले में जाएंगे, हम तो झूले में बैठेंगे, हम तो झूले में बैठेंगे, मेरे साथ बैठो बहना। मेरे साथ चलो बहना। कठपुतली देखन जाए, हम सर्कस को देखन जाए, हम सर्कस को देखन जाए, मेरे साथ चल वो बहना। अरे मैं ना चलूंगी रे भैया, मुझको ना भावे रे, मैं ना चलूंगी रे भैया, मुझको ना भावे रे। हम तो मेले में जाएंगे, हम तो मेले में जाएंगे, हम तो झूले में बैठेंगे, हम तो बैठेंगे, मेरे साथ बैठो बहना। अरे मैं ना बैठूंगी रे भैया, मुझको चक्कर आए रे, मैं ना बैठूंगी रे भैया, मुझे चक्कर आए रे। के पाए हम तो दर्शन माँ के पाए, अपने सोए भाग जगाए, अपने सोए भाग जगाए, मेरे साथ चलो बहना। मेरे साथ बैठो बहना। अरे मैं भी चलूंगी रे भैया, मुझे सब कुछ भावे रे, मैं भी चलूंगी रे भैया, मुझे सब कुछ भावे रे।
देशमुख वीडियो की अगली प्रस्तुति है। बन जा रही रोडी।